बबन बेटवा ये लिखा कहाँ है? अबा मुझे चाइनीज पढ़नी नहीं आती। चाइनीज नहीं है, उर्दू में लिखा है। ओ, लेकिन इसमें लिखा कहाँ है? अरे नौशी जी जरा गौर से देखिए, ये कहीं साथ वाली बाबरा ने हमरे लिए लव लेटर तो नहीं भेजा? अबा वो बाबरा नहीं है, वो बाबरा है। अरे भाई मगर लिखा कहाँ है? इसमें हम चारों के नाम लिखे हैं और नाम के आगे कुछ काम लिखे हैं। वाह वाह, मुकर्रर भाई मुकर्रर। इसमें हम चारों के नाम लिखे हैं और नाम के आगे कुछ काम लिखे हैं। और फल के साथ दाम लिखे हैं। साला हमारे बारे में कोई वाह नहीं करता। अच्छा नौसी बताइए ना भाई, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि वजीर सारे घर की सफाई करेगा, प्यारे पौधों को पानी मारेगा, हम नहीं करेंगे, बब्बन सारे गंदे बर्तन धोएगा कद्दू, और नौशी सब गंदे कपड़े धोएगी। लेकिन ये लिखा किसने है? अरे तुहार अम्मा ने लिखा है, और किसने लिखा? अब्बा तुम्हें कैसे पता चला? अरे जरा गौर से देखो, नीचे तुहार अम्मा के 10 खतात हैं। अब्बा इसको दस्तखत नहीं कहते, इसे अंगूठे का निशान कहते। लेकिन ये अम्मा ने लिखा क्यों है? अरे लिखाई की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो ये नोटिस, मेरा मतलब है नोटिस देकर गई है। नहीं नोटिस का मीनिंग क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। और घोड़ा जब पागल हो जाए तो उसकी दुम मोड़ के। बस ये मिसाल पुरानी करना बहुत भारी पड़ जाएगा। तुम्हारी माँ ने ना हमारे जिम्मे ये काम लगाए। लेकिन अम्मा क्या करेंगी? आराम करेंगे, और वो कर भी क्या सकती है? तुम्हारी माँ जो है ना, उसका दिमाग खराब हो चुका है। नौशी से कपड़े धुलवाएगी, मैं कहीं उसको कपड़ों के साथ धो ही ना दूं। ए! क्या है? मैं क्या नौशी है? वाह आपने क्या बोला है नामों के बारे में। बबन भैया आपको नहीं लगता आपकी होने वाली भाभी ने अम्मा की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है? नौशी से अब आई हेट यू करना शुरू कर दो। नहीं भाई हमसे नहीं होगा ये। अरे हमसे भी ना हो पाएगा। अरे हम तो कहते हैं इस नोटिस को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते और बाहर लान में क्रिकेट खेलते हैं। हाँ क्रिकेट खेलते हैं, हमारा छक्का मारने का बहुत दिल चाह रहा है। नहीं 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 भाई, क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि भाई क्रिकेट की जगह क्रिकेट है। स्पर्स पे जो, स्पर्स पे। तुम एक रात और सो नहीं सकते थे? आओ क्रिकेट खेल। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। क्या बात कर रहे हैं? क्या मौसम जो बेईमान है, जो तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया क्या? ए, तमीज से बात नहीं कर सकती क्या? तमीज और तुमसे ये क्या लेकर आई हो तुम? क्यों पढ़ा नहीं जा रहा, जाहिल कहीं की? पढ़ के सुनाओ। पढ़ लिया है इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या है ये? आज से ये कानून इस घर में नाफिज हो गया। अच्छा किसने कानून पास किया ये? मैंने। वाह भाई वाह, खुद ही कानून बनाया, खुद ही पास कर दिया। अभी भी वक्त है, बायकॉट कर दो। ए, मैं हज़्बे इख्तिलाफ हूँ, वजीर आज़म हूँ इस घर की। तुम सिर्फ फटीचर हो। तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े मैं धो लूंगी? कपड़े धो दूंगी क्या मतलब? तू सारे घर के कपड़े धोएगी। कपड़े धोती है मेरी जूती? जूती कभी कपड़े नहीं धोती, समझ गई? देख मैंने तुझे सुना दिया है अपना हुक्म, आज के बाद जो इस घर में काम नहीं करेगा वो अपनी सजा का जिम्मेदार खुद होगा। देखो खैरन, ये तुम ना तकरीरी उर्दू बोलना बंद कर दो, मेरे ऊपर तुम्हारी धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। धमकी दो उनको, अपने बेकार शौहर और वो नाकारा बेटों पर, मैं नहीं करूंगी काम। सबको मैंने बता दिया है, तुमको भी बता रही हूँ, आगे मर्जी। हाँ मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगी, मर्जी है मेरी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, अल्लाह दफा हो गई। यार अब्बा। ये यार अब्बा का होता? अबे यार अब्बा आप ठीक है? हाँ ठीक लग रहा। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट हो गया, थोड़ी खुराक कर ले अब। और नहीं दुकानदार इसी काम से आओ, जरा खाना पीना कर ले। अरे चलो फिर किचन का सफाया करते हैं। आ जाओ। हाँ भाई क्या पका है खाने में आज, दिखाओ जरा। अरे केतली है? केतली तो खाली। अरे डब्बा है? डब्बा भी खाली। अब्बा यहाँ तो किचन में कुछ भी नहीं खाने के लिए। अरे अरे हाँ हो सकता है खैरन ने खाना फ्रिज में रखा हो। अब्बा अम्मा ताजा खाना फ्रिज में क्यों रखी गया? अरे अभी कल ही गरम सालन से प्यारे का मुंह जल गया था शायद इसलिए। हाँ ये हो सकता है। मैं फ्रिज चेक करता हूँ। करो करो, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। माशाल्लाह सिर्फ एक चम्मच पानी पड़े अंदर। तो खाना कहाँ गया भाई? ये तो अम्मा से पूछना पड़ेगा, अम्मा किचन की इंचार्ज है। हाँ चलो खाली बर्तन देके वैसी बहुत भूख लगी है। हाँ चलो चलो चलो। एक सेकंड प्रोटोकॉल में चलेंगे। प्रोटोकॉल को यार कहाँ फंस गया हूँ मैं भी, अल्लाह की कसम है। यार अब्बा। यार अब्बा क्या होता है? अबे यार अब्बा आप ठीक है? हाँ ठीक लग रहा है। चलो मामा। अम्मा क्या है खारन? अरे क्या बात है फूटो मुझसे।
वो मामा हम किचन में गए थे, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ तो वहाँ क्या होगा, मैं तो यहाँ हूँ। नहीं मतलब कि वहाँ कुछ है ही नहीं। अरे तो क्या होगा वहाँ? अरे वो जो होता है अंदर होता नहीं है। अरे भाई बकवास बंद करो, ड्रामा खराब कर दिया अपनी ड्रामेबाजियों में। भाई वो भाई वहाँ खाना नहीं है, हमने बोल दिया। हाँ तो खाना नहीं है वहाँ। तो फिर कहाँ है? अरे बेडरूम में छुपा दिया का? मैंने खाना बनाया ही नहीं है। क्यों मामा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों ने वो नोटिस नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा था। तो तुमने घर की सफाई की वजीर? नहीं। प्यारे तुमने गार्डन को पानी दिया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बबन तुमने रात के गंदे बर्तन धोए? मेरे को बर्तन मिले ही नहीं। तो बर्तन क्या खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास? कान खोल के सुन लो, आज के बाद जो काम करेगा उसे खाना मिलेगा। और जो नहीं करेगा? तो उसे खाना नहीं मिलेगा, 4 दिन भूखा रह के वो मर जाएगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे कि बाहर जाके खाना खाए। भाई अम्मा तुम तो बहुत जालिम हो। हाँ हाँ मैं तो जालिम हूँ। हैं अब सुन लिया ना, चलो सब काम पे लगो, चलो चलो। ओ हो तुम लोग अपनी एक्टिंग करते रहना, तू तो जा काम काम पे जा, चलो। समझ नहीं आ रहा है, फंस गए क्या होगा अब? अरे चलो जाओ काम करो। अरे यार ये क्या नई मुसीबत आ गई है काम करने की भाई। हाँ यार अम्मा तो काफी सीरियस लग रही थी मुझे यार। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि खारन ने खाना छुपाया कहाँ होगा। अब मुझे लगता है अम्मा बहुत तेज है, साथ वाले घर में छुपा के हो यही। नहीं हमें तो लगता है इसी कमरे में छुपाया होगा, हम यहीं पे शक है। अरे हाँ हमका खुशबू भी आ रही है गोश्त की। अब मेरे गोश्त की आ रही होगी, मैं नाया बनी हूँ यार। अरे छोड़ो यार, चलो यहाँ ढूंढते चलो शाबाश। चलो आप ढूंढो पहले, अलमारी में देखते। अरे यहाँ ढूंढो पहले भाई। समझती क्या है ये खैरन कि वो मुझे कह देगी और मैं कपड़े धो दूंगी, ऐसी की तैसी इसकी। नहीं हाँ हाँ तेरी ही कमी थी, आजा आजा तू भी आजा। निशी अगर आप काट खाने के मूड में तो फिर मैं बाद में आता हूँ, थैंक यू। देख बबन तेरी माँ मेरे हाथ से जाया हो जाएगी। निशी ये मशवरा अब्बा को ना देना वरना वो जहर का इंतजाम कर लेगा। ऊपर से ऊपर मुझे धमकी दे रही है कि अगर काम नहीं किया तो देख लूंगी। क्या देख लेगी यहाँ, क्या देख लेगी? नशी मुझे मालूम है। क्या मालूम है? अम्मा ने कहा है कि जो काम नहीं करेगा अम्मा उसको खाना नहीं देगी और साथ में पैसे भी नहीं देगी। तो वैसे बड़े पैसे देती थी जो अभी नहीं देगी। नशी हमें तो देती थी, आपका पत्नी हमें भी बंद कर देगी देना। हाँ तो कोई बात नहीं, हम खुद जाके खाना निकाल लेंगे। नशी बर्तन आपस में बैठ के बातें करें, क्या सीन है हमारी यहाँ तो कुछ भी नहीं, खाली चमचमा तालियां मारे। नशी अब क्या निकालूंगी उनमें से। अच्छा ऐसी बात है, फिर एक काम कर, बताती हूँ ये ले पैसे, ले पैसे ले, मेरे पैसों को भूखों की तरह मत देखा कर, लेकिन ये ले पैसे, ये है पूरे 100 रुपए, जाके बन कबाब लेकर आ। So nice of you, so nice of you. नशी अच्छा वो आपने पैसे दे दिए वरना भूख के मारे मैं आपके कदमों में सोने वाला था। कोई जरूरत नहीं है, जा जाके बन कबाब लेके आ, फिर आगे का सोचेंगे। जी नशी। थक गए भाई हम। अरे इतने से काम में थक गए बिटवा? अरे अब तुम्हें आदत है ये फर्टीचर काम करने की, हमें बिल्कुल भी नहीं है। अरे आदत डाल लो बिटवा, अगर तुहार शादी भी तुहार अम्मा जैसी किसी औरत से हो गई ना तो यही करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, नौसी हमारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ अगर तुम्हें मिलेगी तब ना। जी नहीं नौसी हमें मिलेगी, हमारा दिल कहता है। फिलहाल तो तुहार पेट कुछ कह रहा है, जरा गौर से सुनो। सही कह रहे हो अब्बा, हमें तो बहुत भूख लग रही है, हमें तो डर ये लग रहा है कि पता नहीं इतना काम करने के बाद खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अरे पता नहीं प्यारे, मगर खाना मिलेगा है? ये हमारा दिल कह रहा है। हाँ ये ठीक है। हाँ। सोच रहे पता नहीं कोई खाने को। अरे अरे बबन भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कुछ नहीं जरा काम से गया हुआ था। ओहो बड़े काम से गए थे, जैसे तुहार तो बड़े कारोबार चल रहा है ना। वो मैं दोस्त से मिलने गया था। अरे वाह तो कुछ पैसे पकड़ लाए। अब्बा बात सुनो, ये तुम छुपा क्या रहे हो पीछे? कुछ नहीं अपना काम करो। अब्बा तुम देख रहे हो एक तो ये काम नहीं कर रहे, यानी कि इनको खाने की कोई टेंशन नहीं है, ऊपर से ये कुछ छुपा भी रहे हैं। चलो बबन बिटवा चेक कराओ। अब्बा तुमने अगर मुझे छूने का सोचा भी ना तो? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा बदन के गुलाब की तरह खिल जाएगा यार। तेरा चश्मा तोड़ के ना तुझे मैं इधर ही अंधा कर दूंगा। अब्बा एक मिनट
अरे गुस्सा मत करो बबन, बताओ कहाँ लाए हो? अच्छा भाई गरीबो, ये देखो बन कबाब है। बन कबाब? लेकिन नोशी का है। हाँ यकीनन तुम नोशी से आधा बन कबाब ले भी लोगे। मैं आप दोनों के बगैर कभी नहीं खा सकता हुआ। बाप देखो हम गलत बोलते हैं, बबन भाई इतने भी बुरे नहीं है। क्योंकि मैं खा के आया हूँ, नोशी ने पैसे दिए थे मुझे। नाला दफा हो जाए यहाँ से तुम। बन कबाब ला के दे रहा है, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देता हम पे। बन कबाब खाना हम नहीं जानते। अरे शायद नोशी को छोड़ दे। मगर कहाँ छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। चलो पानी दो, यही हमारी जिंदगी है। ए बबन भैया, कहाँ तुम टीवी में खोए हुए हो? ए हमें लगता है ये मामला बहुत संगीन हो जाएगा। हाँ वो तो जाएगा, लेकिन ये बता तू इतने मुश्किल अल्फाज सीखे कहाँ से आता है? अरे भाई हम पुराने शायरा में ऐसी लैंग्वेज आती है। अब बता क्या मसला है? अरे अम्मा वाला। अम्मा वाला यार, तुम दोनों ने तो आज काम करके खाना खा लिए। हाँ और तुम्हें नौसी ने खिला दिया। लेकिन आज तो हो गया, कल क्या करेंगे? हाँ बता रहे, तुम्हें कल से काम करना पड़ेगा अगर खाना खाना है तो। हाँ यार नौसी के बाबू आखिरी शोर पे थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर इसी तरह जिंदगी चलती रही तो यार हम तो मर जाएंगे। हाँ और बात इसको, नौसी के कमरे का दरवाजा क्यों खुल गया? नौसी को क्या हो गया प्यारे? बब्बन भैया हमें तो लग रहा है इस पे कोई रू तो नहीं आ गई है। अबे रू का जोड़ी कहाँ जा रही है? आओ चलो चल के देखते हैं। अरे मेरे को डर लग रहा है कहीं। ए पागल हो क्या, इतना बड़ा हाथी हो तुम, डर रहे हो? आओ चलो। हे बबन प्यारे, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, हम कमरे से निकले तो इसी तरह पड़ी हुई। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा नौसी को कहाँ हो गया भाई। अरे कहाँ हो रहा है ये, इतनी रात को कहाँ मीटिंग चल रही है? वो देखो। अरे ये तो नौसी, इनको तो हम दिन रात देखते हैं। अरे इसके हाथ देखो। हैं कहाँ हुआ? अरे हमें तो लगता है नौसी पर कोई जिन आ गया। अम्मा आओ जिन से बात करते हैं। खैर आप जाइए, हमका जरा जरूरी काम से सोना है। होशियार नहीं बनो, यही ट्यून कर दूंगा मैं। साथ चलो आज आ गए तुम नौसे, आपको कहा हुआ है? मैं नौसी नहीं हूँ, मैं शांति हूँ। शांति? हाँ मैं हमेशा से नौसी के जिस्म में रहती थी। लेकिन हमने तो आपको कभी नहीं देखा शांति बहन। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखो। तो आप क्यों चाहती हो भाई शांति बहन? क्योंकि तुम लोग नौशी से काम कराना चाहते थे और मैं चाहती हूँ कि नौशी हमेशा आराम करे। लेकिन नहीं, तुम सब मिलकर उसे काम करवाओगे। नहीं, हम नौशी से काम नहीं करवाएंगे, बस तुम उसे छोड़कर निकल जाओ। तुम नहीं, ये औरत। अरे जल्दी बोलिए, हरन सबको मरवाना है का? अरे नहीं 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 नहीं, नौशी तो इस घर की रानी है ना, काम तो सारे मैं करूंगी। नौशी तो हमारे दिल में राज करती है शांति बहन। बहुत अच्छी बात है। ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं किसी वक्त भी वापस आ सकती हूँ। नहीं नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। जो काम नौशी कर रही थी, आप वो सारे काम अम्मा कर लेगी। मुझे क्यों फंसवा रहा है? ये ठीक रहेगा, सारे काम तुम ही करोगी वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं 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 यार, मैं करूंगी सारे काम करूंगी। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग। मैं जा रही हूँ ऊपर, यहाँ देखो ऊपर जा रही हूँ, तुम लोग काम करो। क्या मुसीबत है, ये चीज़ है भाई। चली गई। चलो 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 भाई, अपने इतने काम करें। नहीं नहीं अम्मा का, हम आपके कमरे में आपके साथ सोएंगे। चलो 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 अम्मा, तुम पोछा लगा लेना सारा, की लोग तुम ऊपर जाओ।
जलील जिंदगी है। भाई बहुत आला नौशी, बहुत आला, क्या एक्टिंग की है तूने, आ गए तुम सब। बेवकूफों के साथ रहने का ना एक फायदा जरूर होता है, इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस थोड़े से हाथ टेढ़े करो और लो डल गए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब तो नौशी तू आगे ऐसे ही काम करना शांति बन के। भाई बहुत आला नौशी, वाह वाह वाह, फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ क्या कर रहा था तू? अरे हम तो सफाई कर रहे थे, मगर आपकी सारी चालाकी हमने सुन ली। अब देख बदे, अगर सुन ली तो क्या हो गया? अब बस खामोश। नहीं, आपने रूह बनकर धोखा दिया, कल को हमारी शादी हो गई तो आप तो हमका भी धोखा दे सकती हैं। वजीर, मैंने ये सारा कुछ तेरे ही लिए तो किया है। खैरन कितनी जालिम है ना, तुझसे कितना काम कराती है ना? हाँ, तो फिर उन्हीं से करवाती ना काम, हम लोगों को भी नौकर बना दिया। हम अभी जाकर खैरन को बताते हैं। रुक। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। देखो भाई, आज से जो काम करेगा उसे खाना मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं तुमने वो किया। हाँ, नहीं, हम सब बता देंगे। हम सब खुद खैर सब खुद खैर बता दिया। चलो मैं क्या हो गया? हो गया।